आप बोलो क्लियर। अब मैं यू कह रहा हूँ कि जब भी एमपी आए कोई किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि सभी को अधिकार है वोट लेने का, मांगने का। वोट आप अपनी इच्छा से जिस मर्जी को दो, किसी भी प्रकार का बहिष्कार करना या ऊंच नीच बोलना अनुचित होगा। नहीं ये चीजें, चलो वैसे तो जनाब मैं आपको पर्सनली एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो बाहर हूँ, वैसे भी गांव में नहीं हूँ, लेकिन ये चीजें आप थोड़ी ना डिसाइड कर सकते हो लीगली। ये चीजें आप थोड़ी ना डिसाइड कर सकते हो कि कोई उनको कुछ क्वेश्चन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मैं वैसे बाहर हूँ, मैंने आपको बोला मैं आ भी नहीं रहा हूँ गाँव में। नहीं कर सकता है भी, कानून व्यवस्था ड्यूटी में, कानून नहीं, कानून व्यवस्था व्यवस्था ड्यूटी में ड्यूटी। बोल रहा हूँ सुनो मेरी आपकी बात, नहीं जी। सुनो सुनो, घने दिन हो गए ना जब कह लेते, अरे तो जब कह लेते। और अब जो है बहिष्कार तुम्हारे हाथ में है, मत वोट दो, तुम्हारे अरे तो अंकल हाथ में सब सिस्टम है। तुम्हें ये चीज, यदि कोई आदमी क्वेश्चन आंसर करेगा या कोई इस तरीके की बात करेगा, बदतमीजी करेगा, हाँ मेरे से बुरा नहीं होगा, मैं तुम्हारे को पहले बता दी बात। नहीं, ये आप मेरे को धमकी ना दो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ नहीं मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं धमकी से ही बात कर रहा हूँ। तो धमकी ये दे मेरा, ना, तो आपने ये धमकी मेरा ना मैटर है, ये मेरा मैटर है, मेरा इलाका है, और मेरे इलाके में भी कानून भंग हुई। आपको भी पब्लिक के लिए अपॉइंट कर रखा होगा ना, आप मेरे को धमकी नहीं दे मैं सकते जब हो। भी तेरे को प्यार से टेलीफोन पर बात प्यार से बताया मैंने है, प्यार से ही बोला है, मैंने कहा कि मैं नहीं मैंने आऊंगा। आपको ये कहा है कि हाँ किसी तो भी आप मेरे को प्रकार का धमकी ना सभी दो, को आप मेरे को अधिकार। प्यार से बोलो कि नहीं आप नहीं मेरे नहीं को, नहीं मैं प्यार से तेरे से पहले टेलीफोन का धमकी तो आप मान रहे हो, नहीं धमकी अगली आपने धमकी आप मत प्यार से देना, नहीं दे रहे फलाना हो, मत किसी को देना। मैं क्यों तो मैं मैं प्यार से तेरे नहीं से दे रहा हूँ, प्यार मैं से धमकी दे कही रहा है हूँ। भाई, मैंने तो कहा है भी, मैंने तेरे पास पहले टेलीफोन करे है, हाँ तो आपने मेरे पास क्यों किया, जिसने नाम लिया उसको मेरा नाम इसलिए रखा है। करेगा कि मेरे को पता लगे कि आप हो। नहीं करोगे बेटर बेस्ट है, करोगे हाँ तो आप मेरे को मेरे इसका को नाम पता बता लगे, दो, आप मैंने मेरे को आपको धमकी बताया मत दिया। दो। ये धमकियां मैं देखो, ये खाम खा की धमकियां मेरे को देने की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी बंदे को ऐसा पकड़ो, है, आप मेरे को थाने ऐसा बुलाओ, है, मैं थाने में आता हूँ, यदि आप मेरे को घर पे यदि बुलाओ, मैं मैं घर पे तेरे को आता हूँ। अभी बताया दिया मैंने कि हाँ तो आप मेरे कोई नाम भी में धमकियां मत देना, किसी और को देना जिसको ये चीजें ना पता हो, मैं पहले ऐसा तो नौ बता। तेरा बाईस बोलने की आवश्यकता नहीं है, हाँ तो आप भी ना बोलो ना नौ कि धमकी तेरा दे रहा हूँ। बाईस बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं सच्चो हूँ, हाँ और तो आपने मैं सच्चो अपने एज यहाँ ए पे नमस्ते सच्चो, किए, सुनिए मैंने भैया, आपको नमस्ते किए, मैंने कहा कि अंकल मैं मैंने नहीं आ रहा हूँ, आपको मैं एज बाहर हूँ। ए सच्चो बात करी है, हाँ तो मैंने और भी, वही बात करी है कि भाई सभी को अधिकार है वोट मांगने का। मैंने भी एज ए सिटीजन आपसे बात की, आप मेरे को धमकी ना दो, आपने कहा कि भाई तो धमकी कहाँ दी है इसको, मैंने, ये बात धमकी लग रही है क्या आपको? आपने कहा कि आपको धमकी, धमकी, आपने कहा है कि जी आपको किसी ने अधिकार दे दिया जिसको कुछ ना करेगा, नहीं ये बात आप आपने कही ये है बात ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको ये किसी क्यों अधिकार दे क्यों दिया कि आप पूछते ये हो आप बोल मेरे सकते हो को? मैं आपको नहीं उनको, बताया कि क्या क्या अधिकार किसके पास में, आपको भी तो वो पता एक होगा ना? एमपी है, वो एक इलेक्टिव एमपी है, मुझे पता है इस बात का कि वो उनको हमने चुन के भेजा है, ये सारी बातें मुझे पता है। आप मेरे को ये चीजें ना बताओ, मैंने सिर्फ ये कहा कि आप मेरे को धमकी ना दो, आपने ना तू धमकी मैं ना दो, भी आप वही मेरे को कह धमकी रहा दे हूं, दो। मैंने पहले आपको बताया कि वोट देने का अधिकार तो मैंने आपको, भी आपको पहले बताया कि अंकल मैं जिसको गांव में नहीं मर्जी हूँ, मैं नहीं आ रहा जिसको हूँ। जिसको जिसको मर्जी चुनो, लेकिन किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती नहीं करोगे। हाँ तो मैंने ये बात आपको कही, मैं अंकल गांव में नहीं हूँ, मैं मैं गांव सब में मैं आ भी नहीं रहा आपको हूँ। बता दी है बस, हाँ तो आप मेरे को धमकी ना दो, जिसने फिर वही कहा उसको बात है, पकड़ो। फिर जो करोगे तो फिर तो पकड़ना क्या है, मैंने हाँ तो पहले ही मैं, कह रहा हूं। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, जब करो, जब आप पकड़ के उठा के ले जाओ, कानूनी कार्रवाई करो। तो मैं जब पहले आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो, हाँ अच्छा रहेगा, बिल्कुल राइट बात आपकी, कोई किसी आदमी की मानहानि करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। हाँ अधिकार नहीं। लेकिन अरे लीगल इसी राइट, बात के लिए, समझाने के लिए मैंने आपके बिल्कुल पास आपकी टेलीफोन बात करा जायज है, लेकिन कुछ कुछ है। कुछ लीगल राइट हमारे भी हैं, वो मेरा है तो गांव है, मेरी वो जगह है, मैं वहां पे खड़ा होकर कुछ भी करूं, मेरे गांव नहीं में नहीं कुछ नहीं भी कर करूं सकते, मैं, या उनको नमस्ते करूं, या मैं उनसे कोई सवाल जवाब दूं, नमस्ते, अपना कुछ काम करूं। अच्छा वर्ताव करो ना, अच्छा वर्ताव करो। यदि हमारी चलो नहीं बनती है या वो हमारे अच्छा काम नहीं करें, तो हम ना जाए उसके पास, ना वोट दे, जो हाँ अच्छा तो वोट दे ठीक उसके है, लिए चले जाए। हाँ तो बस ये बात है, तो आपने कहा ना कि नहीं मैं तो धमकी से की तरह, तुम मैं आओ तो तो यही धमकी बात ले लो। अभी भी कह रहा हूं कि किसी की मानहानि नहीं करनी, हाँ सही बात है, बस बस दैट्स ऑल राइट। डेट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।